गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर दैट इज एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एनी चैप्टर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट उनकी थ्योरी पढ़ी। ठीक, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी ऑफ दैट चैप्टर हमने उसके एक्सरसाइज को भी डिस्कस किया। ठीक, अब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है दैट इज एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स हैं क्या। फिनॉल्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बेंजीन रिंग से लगा हुआ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल होता है। ठीक, एल्कोहल्स को भी आप जानते हैं, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड से आप अगर डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दें तो ये एक हमारा एल्कोहल होता है। और मैं ईथर की बात करूं तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऐड करने के लिए ऑक्सीजन अगर बीच में यूज किया जाए तो इन्हें हम ईथर बोलते हैं। मतलब बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक ऑक्सीजन एटम हो तो उसे हम ईथर बोलते हैं। ठीक है, ये ईथर और भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ये अनसिमेट्रिकल है, आप CH3 OCH3 भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। ये थी हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन कि हम एल्कोहल फिनॉल ईथर किसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स मेक्स देयर स्टडी सिस्टमैटिक एंड हेंस सिंपलर। ये थ्योरीज है, मोनो डाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स मे बी क्लासिफाइड एज मोनो डाई ट्राई। मोनो का मतलब एक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, एंड पॉलीहाइड्रिक का मतलब मोर देन थ्री। कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर कंटेन 1, 2, 3 और मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। मतलब अगर हम इसकी बात करें इथेनॉल की, ठीक है, मोनोहाइड्रिक होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो डाईहाइड्रिक होगा क्योंकि इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये ट्राईहाइड्रिक होगा। सिमिलरली ये मोनोहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक एंड ये ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक कॉन्फिगरेशन या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द कंपाउंड। अब सेकेंड आता है, वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। बेसिकली ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के हाइड्रोकार्बन से ऐड है, किस कार्बन से ऐड है, वेदर दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज और sp2 और sp। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम sp3 की बात करें तो sp3 के लिए आप कोई भी जनरल एल्कोहल ले लें, तो ये जितने भी कार्बन जिनसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है वो सभी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, एंड दिस वन इज आल्सो sp3। अब हम इन्हें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी को डिफाइन करेंगे एज सिमिलर, जैसा मैंने हेलो एल्केन्स में डिफाइन किया था हमने,
वैसे ही इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिफाइन करेंगे। जिस ग्रुप से या फिर जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, उससे जितने भी कार्बन ऐड होंगे वो उतने ही डिग्री का होगा। सिर्फ ये वन है तो ये वन डिग्री होगा, जिसे हम प्राइमरी बोलेंगे। ये इस वाले ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है एंड ये दो तरह के कार्बन से ऐड है, तो ये हमारा सेकेंडरी होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो सिंस इससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऐड है और ये सिर्फ एक ही कार्बन से ऐड है, तो ये हमारा वन डिग्री होगा प्राइमरी। ठीक है, मैं कुछ इस पे एग्जांपल करा देता हूँ अपनी तरफ से। और तो ये चीज आप पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये फर्स्ट है कि CH3CH2CHOH, यहां पर है CH2। ठीक है, आपको इसको डिफाइन करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड है CH3CH OH CH2CH3। थर्ड हमारा CH3C CH3, ये हमारा C है। ठीक है, ये है OH एंड एक और लास्ट हम लेते हैं कि CH3 CH2 OH CH3 एंड CH3। अब आप क्लासिफाई करके बताएं कि कौन से प्राइमरी होंगे, कौन से सेकेंडरी होंगे, कौन से टर्शरी होंगे। आइए हम देखते हैं। इसके लिए आप, मैं इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो मैं जो चीज बता रहा हूं आप उसको ध्यान दें, और अगर आपको आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको ये नहीं आता। जिससे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिस भी कार्बन से, किसी ना किसी कार्बन से होगा ही, उसको आप सर्कल कर दें। ठीक, अब ये सर्कल जितने भी कार्बन से ऐड होगा उतनी ही डिग्री का ये एल्कोहल होगा। मतलब ये सर्कल जिसे हमने सर्कल किया, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमने उसको सर्कल किया, ये दो तरह के कार्बन से ऐड है, दो कार्बन से, तो ये हमारा क्या होगा, टू डिग्री, जिसे हम सेकेंडरी बोले। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, हमने इसको सर्कल कर दिया। अब इससे ये वाली कार्बन ऐड है, ये वाली कार्बन ऐड है, मतलब दो कार्बन ऐड है, तो ये भी हमारा क्या होगा, टू डिग्री, दैट इज सेकेंडरी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है हमारा। अब देखते हैं कि इससे कितने कार्बन ऐड है, ये हो गया एक, ये दो और ये तीन, तो ये थ्री डिग्री है। थ्री डिग्री को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी। अब इसकी बात करें तो क्या इससे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, नहीं, जिससे ऐड है हमें उसी को सर्कल करना है, ये हो गया। अब इस सर्कल से हम देखते हैं कि कितने कार्बन ऐड हैं। इधर कोई है नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को हम काउंट करते नहीं है, ये सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब ये क्या होगा, वन डिग्री। ये है हमारा प्राइमरी एल्कोहल, समझ लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप पिछले चैप्टर से ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी ऑन द बेसिस ऑफ जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ऐड होगा। फर्दर हम देखें तो एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल जिसे हम पिछले चैप्टर में एलाइलिक हैलाइड को हम कर रहे थे क्लासिफाई, ये सिमिलरली सीएल के जगह पे हमारा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है।
यही है इसमें कि इन दीज एल्कोहल द ओएच ग्रुप इज अटैच टू अ एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन। ये ये क्या क्या एस पी एसपी थ्री थ्री हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज है है? दोनों? नेक्स्ट नेक्स्ट टू टू द द कार्बन 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 डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड के के जस्ट जस्ट बगल बगल में में जो जो नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बन कार्बन होगा होगा वो वो एसपी एसपी थ्री थ्री हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज हो हो और और उसी उसी से से हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप ऐड ऐड हो। हो। सच सच टाइप टाइप ऑफ ऑफ कंपाउंड कंपाउंड को को हम हम एलाइलिक एलाइलिक कंपाउंड कंपाउंड बोलते बोलते हैं, हैं, एलाइलिक एलाइलिक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। कंपाउंड। फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपका आपका सी सी एस एस थ्री थ्री सी सी एच एच डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड सी सी एच एच सी सी एस एस टू टू ओ ओ एच एच सी सी एस एस थ्री थ्री सी सी एच एच डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड सी सी एच एच सी सी एच एच ओ ओ एच एच और और यहां यहां पर पर आप आप सी सी एस एस थ्री थ्री लगा लगा दो। दो। सिमिलरली सिमिलरली एक एक और और एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले ले ले, ले सी सी एस एस थ्री थ्री सी सी एच एच डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड सी सी एच एच सी सी ऊपर ऊपर भी भी सी सी एस एस थ्री थ्री लगा लगा दे दे और और नीचे नीचे भी, भी, और और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप का का एडिट एडिट सेम सेम है। है। सिंस सिंस ऑल ऑल देयर देयर एसपी एसपी थ्री थ्री हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक, ठीक, और और ये ये जिस जिस कार्बन कार्बन से से ऐड ऐड हैं हैं वो वो एक एक क्या क्या एसपी एसपी टू टू हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड है? है? हम हम जिनमें जिनमें भी भी देख देख ले ले ये ये एसपी एसपी टू टू है, है, ये ये एसपी एसपी टू टू है है एंड एंड ये ये भी भी एसपी एसपी टू टू है। है। अब अब इसमें इसमें भी भी अगर अगर हम हम क्लासीफाई क्लासीफाई करें करें कि कि ये ये प्राइमरी प्राइमरी है, है, सेकेंडरी सेकेंडरी है है या या टर्सरी टर्सरी है, है, अगेन अगेन हमारा हमारा सेम सेम वही वही रूल रूल होगा। होगा। हम हम इसको इसको सर्कल सर्कल करेंगे करेंगे और और देखेंगे देखेंगे कि कि कितने कितने कार्बन कार्बन से से ये ये ऐड ऐड है, है, मतलब मतलब अटैच्ड अटैच्ड है। है। तो तो ये ये सिर्फ सिर्फ एक एक ही ही कार्बन कार्बन से से है है तो तो ये ये प्राइमरी प्राइमरी होगा होगा 1 डिग्री,1 डिग्री, ये ये सेकेंडरी सेकेंडरी होगा होगा 2 डिग्री2 डिग्री और और ये ये टर्सरी टर्सरी होगा होगा 3 डिग्री,3 डिग्री, ठीक ठीक है? है? और और ये ये जो जो है है एलाइलिक एलाइलिक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप है। है। अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते देखते हैं हैं क्या क्या है। है। अब अब एलाइलिक एलाइलिक के के बाद बाद किसका किसका नंबर नंबर आएगा? आएगा? बेंजाइलिक बेंजाइलिक का, का, जैसे जैसे हम हम बेंजाइलिक बेंजाइलिक क्लोराइड क्लोराइड लिख लिख रहे रहे थे थे वहां वहां पर, पर, यहाँ यहाँ पे पे हम हम बेंजाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल एल्कोहल लिखेंगे। लिखेंगे। देखिए देखिए बेंजाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल एल्कोहल इन इन दीज दीज एल्कोहल एल्कोहल द द ओएच ओएच ग्रुप ग्रुप इज इज अटैच्ड अटैच्ड टू टू एसपी एसपी थ्री थ्री हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन एटम एटम नेक्स्ट नेक्स्ट टू टू एन एन अरोमेटिक अरोमेटिक रिंग, रिंग, मतलब मतलब कोई कोई भी भी एक एक बेंजीन बेंजीन रिंग रिंग आप आप ले ले लीजिए। लीजिए। और और इससे इससे जो जो है है ये ये एसपी एसपी थ्री थ्री हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड होना होना चाहिए चाहिए और और यहाँ यहाँ पर पर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप आपका आपका लग लग जाए। जाए। सिमिलरली सिमिलरली और और तरह तरह के के भी भी हो हो सकते सकते हैं, हैं, यहाँ यहाँ पर पर सी सी एच एच हो हो ओ ओ एच एच हो हो एंड एंड यहाँ यहाँ पर पर सी सी एस एस पी पी है, है, एंड एंड सिमिलरली सिमिलरली यहाँ यहाँ पर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के के बजाय बजाय एक एक और और सी सी एस एस पी पी हम हम लगा लगा सकते सकते हैं। हैं। ये ये क्या क्या होगा? होगा? ये ये हमारा हमारा प्राइमरी प्राइमरी होगा, होगा, ये ये हमारा हमारा सेकेंडरी सेकेंडरी होगा, होगा, एंड एंड अगर अगर आप आप इस इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के के बजाय बजाय एक एक और और सी सी एस एस सी सी लगा लगा देंगे देंगे तो तो वो वो हमारा हमारा टर्सरी टर्सरी हो हो जाए, जाए, ठीक? ठीक? ये ये हो हो गया गया हमारा हमारा टाइप टाइप ऑफ ऑफ बेंजाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल। एल्कोहल। अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट आता आता है है विनाइलिक विनाइलिक एल्कोहल। एल्कोहल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम सेम प्रोसेस प्रोसेस चल चल रहा रहा है है प्रीवियस प्रीवियस चैप्टर चैप्टर की की तरह। तरह। अगर अगर मैं मैं अब अब कंपाउंड कंपाउंड कंटेनिंग कंटेनिंग सी सी एस एस पी पी टू टू एस एस पी पी थ्री थ्री हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन से से अगर अगर कोई कोई हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप ऐड ऐड है है तो तो हमें हमें विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड हैलाइड बोलते बोलते थे थे लास्ट लास्ट चैप्टर चैप्टर में। में। अब अब इस इस बार बार एल्कोहल एल्कोहल है है तो तो विनाइलिक विनाइलिक एल्कोहल एल्कोहल बोलेंगे, बोलेंगे, मतलब मतलब सी सी एच एच टू टू डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड सी सी एच एच ओ ओ एच। एच। इसके इसके पास पास लोन लोन पेयर पेयर है, है, लोन लोन पेयर पेयर है है और और यहाँ यहाँ पर पर अल्टरनेट अल्टरनेट पर पर क्या क्या है? है? पाई पाई बॉन्ड, बॉन्ड, मतलब मतलब इन इन दोनों दोनों के के बीच बीच में में क्या क्या होगा होगा रेजोनेंस? रेजोनेंस? अगर अगर मैं मैं इसकी इसकी रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाऊं बनाऊं तो तो ये ये लोन लोन पेयर पेयर कन्वर्ट कन्वर्ट होगा होगा पाई पाई में में और और ये ये पाई पाई कन्वर्ट कन्वर्ट होगा होगा लोन लोन पेयर पेयर में। में। तो तो क्या क्या बनेगा बनेगा सी सी एच एच टू? टू? ये ये पाई पाई लोन लोन पेयर पेयर में में कन्वर्ट कन्वर्ट होगा होगा तो तो यहाँ यहाँ माइनस माइनस चला चला जाएगा, जाएगा, ये ये सी सी एच एच ये ये डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड ओ ओ एच एच प्लस। प्लस। ऑल ऑल्दो दो ये ये जो जो रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है है ये ये अनस्टेबल अनस्टेबल होती होती है है और और ये ये स्टेबल स्टेबल होती होती है, है, ठीक ठीक है? है? पी पी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इसी इसी के के ज्यादा ज्यादा होती होती है। है। जैसे जैसे कि कि मैं मैं बता बता दिया दिया कि कि इन इन दोनों दोनों बीच बीच में में रेजोनेंस रेजोनेंस होता होता है, है, तो तो जब जब भी भी आपको आपको विनाइलिक विनाइलिक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप हो हो तो तो इनके इनके बीच बीच में में पाई पाई
अगेन अगेन वही, वही जैसा जैसा कि कि हमने हमने अलैली अलैली फैलाइट्स फैलाइट्स में में डिस्कस डिस्कस किया किया था था कि कि रेजोनेंस रेजोनेंस होता होता है, है, सिमिलरली सिमिलरली इसमें इसमें भी भी हमारा हमारा रेजोनेंस रेजोनेंस होता होता है। है। ये ये होगा होगा हमारा हमारा अलैलिक अलैलिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, जैसे जैसे कि कि आपका आपका फिनॉल फिनॉल है है यहाँ यहाँ पर, पर, ये ये तो तो एलिफैटिक एलिफैटिक कंपाउंड कंपाउंड में में हो हो जाएंगे, जाएंगे, ये ये एरोमेटिक एरोमेटिक केस केस में में कुछ कुछ इस इस तरह तरह से से होंगे, होंगे, ठीक। ठीक। अब अब ईथर्स ईथर्स की की क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन है है वो वो भी भी देख देख लेते लेते हैं। हैं। ईथर्स ईथर्स आर आर क्लासिफाइड क्लासिफाइड एज एज सिंपल सिंपल और और सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल इफ इफ द द अल्काइल अल्काइल और और अराइल अराइल ग्रुप ग्रुप अटैच अटैच टू टू द द ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स एटम्स आर आर द द सेम सेम एंड एंड मिक्स मिक्स और और अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इफ इफ द द टू टू ग्रुप्स ग्रुप्स आर आर डिफरेंट। डिफरेंट। फॉर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, जैसे जैसे मैंने मैंने आपको आपको बताया बताया था था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में में कि कि सी सी एस एस थ्री थ्री सी 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 एस सी थ्री एस थ्री ओ ओ सी सी एस एस थ्री थ्री है, है, तो तो ये ये हमारा हमारा क्या क्या होगा, होगा, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल होगा। होगा। और और अगर अगर यही यही हमारा हमारा सी सी एस एस थ्री थ्री सी सी एस एस टू टू ओ ओ सी सी एस एस थ्री थ्री होता होता तो तो ये ये हमारा हमारा अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो हो जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो यही यही वही वही सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एंड एंड अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के के बेसिस बेसिस पे पे हम हम इसका इसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करते करते हैं। हैं। चलिए चलिए आइए आइए एक एक इंडेक्स इंडेक्स क्वेश्चन क्वेश्चन है है इसको इसको हम हम डिस्कस डिस्कस कर कर लेते लेते हैं। हैं। फिर फिर फर्दर फर्दर आगे आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। 11.1 11.1 क्लासिफाई क्लासिफाई द द फॉलोइंग फॉलोइंग एज एज प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी एंड एंड टर्शरी टर्शरी एल्कोहल्स। एल्कोहल्स। बताइए, बताइए, आपको आपको तो तो अच्छे अच्छे से से आता आता है है ये। ये। सर्कल सर्कल की की यूज यूज करूँ करूँ कि कि ना ना करूँ करूँ कर कर लेता लेता हूँ, हूँ, आप आप लोग लोग अपने अपने हिसाब हिसाब से से कर कर लीजिएगा। लीजिएगा। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप किससे किससे ऐड ऐड है, है, इस इस वाले वाले कार्बन कार्बन से से या या इस इस वाले वाले कार्बन कार्बन से? से? ऑब्वियसली ऑब्वियसली इस इस वाले वाले कार्बन कार्बन से, से, तो तो इसको इसको मैं मैं यहाँ यहाँ बना बना देता देता हूँ। हूँ। ये ये सी सी एस एस थ्री, थ्री, सी सी एस एस थ्री थ्री एंड एंड सी सी एस एस थ्री, थ्री, सी सी एस एस थ्री थ्री यहाँ यहाँ पे पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड एंड ओ ओ एच। एच। अब अब ये ये वाला वाला कार्बन कार्बन ऐड ऐड है है हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप से, से, इसे इसे हमने हमने क्या क्या किया, किया, सर्कल सर्कल कर कर दिया। दिया। अब अब ये ये कितने कितने कार्बन कार्बन से से ऐड ऐड है, है, ये ये तो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है है इसको इसको हम हम काउंट काउंट करेंगे, करेंगे, नहीं नहीं ये ये भी भी नहीं नहीं काउंट काउंट करेंगे, करेंगे, सिर्फ सिर्फ ये ये एक एक अकेला अकेला कार्बन कार्बन है। है। मतलब मतलब ये ये क्या क्या है, है, वन वन डिग्री डिग्री है, है, इसे इसे हम हम प्राइमरी प्राइमरी एल्कोहल एल्कोहल बोलेंगे। बोलेंगे। अब अब इसकी इसकी हम हम नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर भी भी देखेंगे, देखेंगे, बट बट अभी अभी हम हम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कर कर रहे रहे हैं हैं बेसिकली, बेसिकली, तो तो सिर्फ सिर्फ यही यही देखेंगे, देखेंगे, ठीक। ठीक। अगर अगर हम हम सेकेंड सेकेंड की की बात बात करें करें तो तो सेकेंड सेकेंड में में आप आप ये ये भी भी डिफाइन डिफाइन करें करें कि कि ये ये अलाइलिक अलाइलिक है है या या विनाइलिक विनाइलिक है। है। तो तो ये ये सी सी एच एच टू टू डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड सी सी एच एच सी सी एच एच टू टू ओ ओ एच एच विनाइलिक विनाइलिक में में ही ही रेजोनेंस रेजोनेंस होता होता है, है, अलाइलिक अलाइलिक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप हो हो या या अलाइलिक अलाइलिक हैलाइड हैलाइड हो, हो, कोई कोई भी भी हो, हो, उनमें उनमें रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं नहीं होता, होता, क्योंकि क्योंकि इनके इनके बीच बीच में में जो जो है, है, अब अब ये ये सी सी एच एच टू टू ग्रुप ग्रुप आ आ गया गया है। है। और और रेजोनेंस रेजोनेंस के के लिए लिए कंडीशन कंडीशन क्या क्या होती होती है, है, रेजोनेंस रेजोनेंस के के लिए लिए कंडीशन कंडीशन होती होती है है कि कि पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड और और लोन लोन पेयर पेयर को को सिर्फ सिर्फ एक एक ही ही बॉन्ड बॉन्ड से से सेपरेट सेपरेट किया किया जाए, जाए, ठीक ठीक है, है, जैसा जैसा कि कि विनाइलिक विनाइलिक कंडीशन कंडीशन होता होता है। है। मान मान लीजिए लीजिए ये ये हैलाइड हैलाइड है, है, तो तो ये ये एक एक लोन लोन पेयर पेयर है है और और ये ये क्या क्या है, है, पाई पाई बॉन्ड, बॉन्ड, इन इन दोनों दोनों को को बीच बीच में में क्या क्या है, है, ये ये पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड है है हमारा, हमारा, और और इन इन दोनों दोनों को को सेपरेट सेपरेट कर कर रहा रहा है है सिर्फ सिर्फ और और सिर्फ सिर्फ एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड, ये ये वाली। वाली। तो तो इसमें इसमें हमारा हमारा होता होता है है रेजोनेंस। रेजोनेंस। बट बट इन इन दिस दिस केस केस अलाइलिक अलाइलिक केस केस में में रेजोनेंस रेजोनेंस हमारा हमारा नहीं नहीं होता होता है, है, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पे पे दो दो डबल डबल बॉन्ड्स बॉन्ड्स हो हो गए गए हैं, हैं, ये ये डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड, फिर फिर एक एक डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड एंड एंड अगेन अगेन डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड, फिर फिर है है हमारा हमारा लोन लोन पे पे है। है। तो तो इन इन दिस दिस केस केस हमारा हमारा नहीं नहीं होता होता है है रेजोनेंस। रेजोनेंस। खैर, खैर, हम हम इसको इसको वन वन डिग्री डिग्री प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी एंड एंड टर्शरी टर्शरी डिफाइन डिफाइन कर कर रहे रहे थे, थे, तो तो देखते देखते हैं हैं ये ये वाली वाली कार्बन कार्बन जो जो है है जिसे जिसे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप ऐड ऐड है, है, वो वो सिर्फ सिर्फ एक एक कार्बन कार्बन से से ऐड ऐड है, है, तो तो ये ये प्राइमरी प्राइमरी होगा होगा एंड एंड प्राइमरी प्राइमरी के के साथ 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 ये ये क्या क्या होगा, होगा, अलाइलिक अलाइलिक भी भी होगा। होगा। तो तो अगर अगर इसको इसको आपको आपको ये ये भी भी अगर अगर डिफाइन डिफाइन करने करने के के लिए लिए आ आ जाए जाए कि कि ये ये प्राइमरी प्राइमरी तो तो है है ही ही बट बट अलाइलिक अलाइलिक है है कि कि विनाइलिक विनाइलिक है, है, तो तो आपको आपको ये ये भी भी डिफाइन डिफाइन आपको आपको कर कर
ये बड़ा ही सिंपल सा है, आप इसको सा सर्कल कर दें, है, सिर्फ सिर्फ एक एक कार्बन कार्बन से से ऐड ऐड है है तो तो ये ये क्या क्या होगा, होगा, 1 डिग्री वन डिग्री होगा। होगा। अगर अगर हम हम इसकी इसकी बात बात करें करें तो तो ये ये सी सी एच एच है, है, ये ये सी सी एच एच थ्री, थ्री, इधर इधर बेंजीन बेंजीन लगाए लगाए तो तो हम हम इसको इसको फिनाइल फिनाइल लिख लिख सकते सकते हैं, हैं, और और ये ये हमारा हमारा ओ ओ एच एच है। है। इसको इसको आप आप सर्कल सर्कल करें, करें, अब अब देखें देखें ये ये कितने कितने कार्बन कार्बन साइड साइड है, है, एक एक ये ये और और ये ये एक एक फिनाइल फिनाइल है है, ना, फिनाइल फिनाइल में में भी भी तो तो ये ये क्या क्या है, है, कार्बन कार्बन से से ही ही ऐड ऐड है, है, तो तो ये ये भी भी एक एक काउंट काउंट होगा, होगा, तो तो एक एक और और एक एक दो, दो, तो तो ये ये क्या क्या हुआ, हुआ, 2 डिग्री,2 डिग्री, जिसे जिसे हम हम सेकेंडरी सेकेंडरी बोलेंगे। बोलेंगे। सेकेंडरी सेकेंडरी होगा होगा और और अलाइलिक अलाइलिक होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि ये ये फिनाइल फिनाइल से से डायरेक्टली डायरेक्टली ग्रुप ग्रुप नहीं नहीं है, है, डायरेक्टली डायरेक्टली होता होता तो तो ये, ये, आई आई एम एम सॉरी, सॉरी, अलाइलिक अलाइलिक नहीं, नहीं, इसे इसे हम हम बेंजाइलिक बेंजाइलिक बोलेंगे, बोलेंगे, बेंजीन बेंजीन से से ऐड ऐड है है ना, ना, तो तो इसे इसे हम हम क्या क्या बोलेंगे, बोलेंगे, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। ठीक, ठीक, अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते देखते हैं, हैं, अब अब मैं मैं सर्कल सर्कल वगैरह वगैरह नहीं नहीं बता बता रहा, रहा, आपको आपको बता बता दे दे रहा रहा हूँ, हूँ, आप आप अपना अपना कर कर लीजिएगा। लीजिएगा। ये ये क्या क्या है, है, एक एक ये ये है है, और और एक एक ये ये है, है, एक एक तो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है है, तो तो ये ये क्या क्या हुआ, हुआ, 2 डिग्री2 डिग्री होगा। होगा। सिमिलरली सिमिलरली ये ये तीन तीन कार्बन कार्बन से से ऐड ऐड है है तो तो ये ये 3 डिग्री3 डिग्री होगा, होगा, मतलब मतलब ये ये क्या क्या होगा, होगा, सेकेंडरी सेकेंडरी होगा होगा और और ये ये टर्शरी टर्शरी होगा। होगा। अब अब आ आ रहा रहा है है नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर, तो तो आइए आइए नॉमनक्लेचर नॉमनक्लेचर देखते देखते हैं। हैं। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू आईयूपीएससी आईयूपीएससी सिस्टम सिस्टम यूनिट यूनिट 12 12 क्लास क्लास 11, 11 द द नेम नेम ऑफ ऑफ एन एन अल्कोहल अल्कोहल इज इज डिराइव्ड डिराइव्ड फ्रॉम फ्रॉम द द नेम नेम ऑफ ऑफ एन एन अल्केन अल्केन एंड एंड सो सो ऑन। ऑन। बेसिकली बेसिकली मैं मैं आपको आपको बता बता देता देता हूँ, हूँ, इसमें इसमें जो जो हम हम सफिक्स सफिक्स यूज यूज करते करते हैं हैं वो वो होता होता है है ऑल, ऑल, ओ ओ एल, एल, ये ये एल्कोहल एल्कोहल को को क्या क्या करता करता है, है, डिफाइन डिफाइन करता करता है। है। हम हम नेमिंग नेमिंग करते करते हैं हैं उससे उससे आपको आपको क्लियर क्लियर हो हो जाए। जाए। इसकी इसकी हम हम बात बात करें करें अगर अगर सी सी एस एस टी टी ओ ओ एच एच की, की, तो तो इसका इसका कॉमन कॉमन नेम नेम एंड एंड आई आई यू यू पी पी एस एस सी सी नेम, नेम, इसका इसका कॉमन कॉमन नेम नेम अगर अगर मैं मैं बताऊं बताऊं तो तो ये ये मिथाइल मिथाइल एल्कोहल एल्कोहल बोला बोला जाएगा, जाएगा, और और आई आई यू यू पी पी एस एस सी सी बोला बोला जाए जाए तो तो ये ये मेथनॉल मेथनॉल बोला बोला जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, सिमिलरली सिमिलरली अगर अगर आपको आपको सी सी एस एस थ्री थ्री सी सी एच एच टू टू ओ ओ एच एच होता होता तो तो उसको उसको मिथाइल मिथाइल एल्कोहल एल्कोहल बोलते बोलते हैं। हैं। कॉमन कॉमन नेम नेम इसका इसका क्या क्या होता होता है, है, इथाइल इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल। अगर अगर आईयूपीएसी आईयूपीएसी अगर अगर हम हम देखते देखते हैं हैं तो तो वन वन टू, टू ये ये क्या क्या होता होता है, है, इथेन। इथेन। वन वन ऑल। ऑल। ठीक ठीक है, है, सिमिलरली सिमिलरली आगे आगे के के जितने जितने भी भी कौन कौन हैं हैं नेमिंग, नेमिंग, हम हम उनको उनको देख देख लेते लेते हैं। हैं। इसको इसको हम हम एग्जांपल एग्जांपल देखते देखते हैं, हैं, सी सी एस एस थ्री थ्री सी सी एच एच सी सी एच एच थ्री थ्री ये ये हो हो गया गया ओ ओ एच। एच। तो तो अगर अगर हम हम इसकी इसकी नेमिंग नेमिंग करेंगे करेंगे तो तो अगेन अगेन हमें हमें नंबरिंग नंबरिंग करना करना होगा, होगा, तो तो वन वन टू टू थ्री। थ्री। ठीक ठीक है, है, तो तो अब अब इसमें इसमें हम हम कोई कोई सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट तो तो है है नहीं, नहीं, ये ये तो तो एक एक क्या क्या है, है, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप है। है। ठीक ठीक है, है, अगर अगर यहाँ यहाँ पे पे कोई कोई क्लोरीन क्लोरीन या या फिर फिर कोई कोई और और कंपाउंड कंपाउंड होते होते तो तो उनको उनको हम हम एज एज ए ए प्रिफिक्स प्रिफिक्स पहले पहले लिखते लिखते हैं, हैं, बट बट यहाँ यहाँ पर पर है है नहीं। नहीं। तो तो वन वन टू टू थ्री, थ्री, तो तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल ऑल हम हम क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन होता, होता, प्रोपेन प्रोपेन टू, टू, टू टू पर पर क्या क्या है, है, एल्कोहल, एल्कोहल, तो तो एल्कोहल एल्कोहल के के लिए लिए हम हम ओ ओ एल एल लिखते लिखते हैं हैं ऑल। ऑल। ठीक ठीक है, है, बट बट एक एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती होती है है एल्कोहल एल्कोहल के के केस केस में में या या फिर फिर किसी किसी भी भी केस केस में, में अगर अगर नेमिंग नेमिंग करने करने के के बाद बाद अगर अगर ओ ओ आ आ जाए, जाए, ठीक ठीक है, है, तो तो उसमें उसमें हम हम ई ई को को जो जो है है इरेज इरेज कर कर देते देते हैं, हैं, मतलब मतलब एल्कोहल एल्कोहल की की जब जब आप आप नेमिंग नेमिंग करेंगे करेंगे तो तो जो जो लास्ट लास्ट में में ब्यूटेन ब्यूटेन अगर अगर लिखते लिखते हैं हैं तो तो लास्ट लास्ट में में ई ई आता आता है, है, प्रोपेन प्रोपेन लिखते लिखते हैं हैं तो तो लास्ट लास्ट में में ई ई आता आता है, है, इन इन दैट दैट केसेस केसेस ई ई हमारा हमारा जो जो होगा होगा वो वो नहीं नहीं होगा। होगा।
ये ब्रॉडबैंड टू ऑल होगा। बात बात समझ समझ में आ में आ रही रही है? है। तो तो इस इस बात बात का को आप आप ध्यान ध्यान रखें। रखें। अब अब हम हम इसकी इसकी नेमिंग नेमिंग कर कर लेते लेते हैं, हैं या हाँ इसकी इसकी कर कर लेते लेते हैं। हैं। अगर अगर हम हम इसकी इसकी बात बात करें करें तो तो ये ये क्या क्या है? है? सी एस थ्री, सी एस सी सी एस एस थ्री, थ्री, सी सी एच एच टू टू ओ ओ एच। एच। अब अब हम इसकी इसकी बात बात करें करें हम हम आईयूपीएसी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, तो तो ये ये होगा होगा 1 2 3, ये ये हो हो गई गई हमारी हमारी क्या क्या नंबरिंग। नंबरिंग। तो तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल ऑल क्या क्या है? है? इसको इसको हम हम लिखेंगे लिखेंगे तो तो 2 मिथाइल, मिथाइल, ये ये होगा होगा क्या क्या 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। अब अब हम हम बेस बेस को को लिखेंगे, लिखेंगे, जो जो बेस बेस हमारा हमारा क्या क्या है, है, जो जो पेरेंट पेरेंट चेन चेन है, है, ठीक ठीक है है प्रोपेन प्रोपेन है, है, तो तो ये ये क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। बट बट हम हम ई ई नहीं नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, प्रोपेन प्रोपेन 1 ऑल।1 ऑल। ये ये 1 ऑल 1 ऑल का का मतलब मतलब क्या क्या है है कि कि फर्स्ट फर्स्ट कार्बन कार्बन पे पे ही, ही, जहां जहां से से हम हम नंबरिंग नंबरिंग स्टार्ट स्टार्ट किए किए हैं, हैं, उसी उसी कार्बन कार्बन पे पे एक एक हमारा हमारा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट प्रेजेंट है। है। समझ समझ आया? आया? समझ समझ में में आया आया तो तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते देखते हैं, हैं, और और ना ना समझ समझ में में आया आया तो तो अगेन अगेन समझ समझ में में आ आ ही ही जाएगा। जाएगा। इसकी इसकी बात बात हम हम अगर अगर हम हम कर कर लें लें तो तो ये ये सी सी एस एस थ्री थ्री सी 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 एस एस थ्री थ्री सी सी एस एस थ्री थ्री एंड एंड ओ ओ एच। एच। ठीक ठीक है, है, अगर अगर हम हम इसकी इसकी नेमिंग नेमिंग करें करें आईयूपीएसी आईयूपीएसी के के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, तो तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल ऑल नंबरिंग नंबरिंग 1 2, 1 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं साइड चेन। तो फर्स्टली हम इसकी नंबरिंग नेमिंग करेंगे, तो 1.1 डाई मिथाइल, इन दोनों का हो गया। अब ये क्या है, 1 2 इथेन, 1 ऑल। ये है ना, यही कहाँ गया? अच्छा हाँ, माय मिस्टेक, ये पैरेंट चेन हमने गलत मान दिया। पैरेंट चेन में मैक्सिमम होने चाहिए ना कार्बन। ठीक है, ये होगा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 पर हमारा क्या है मिथाइल। अब जो हमारी पेरेंट चेन है क्या 3 की है, तो ये क्या होगा प्रोपेन। और सेकेंड पोजीशन पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 2 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सिमिलरली जो लास्ट है इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर आगे एक्सरसाइज में तो इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे ही लाइक प्रीवियस चैप्टर। तो ये सी एच टू सी एच सी एच टू, और तीनों पर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अगर ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक है बताएं, ये कौन सी है? तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो क्या होंगे, ट्राईहाइड्रिक होगा। ठीक, अब इसकी हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। अगर इसका कॉमन नेम देखना चाहें तो आपको दिख रहा होगा ग्लिसरॉल होता है इसका नेम, काफी यूजफुल होता है ग्लिसरॉल। खैर हम इसकी नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, तो 1 ये 1 2 एंड 3। एंड सिंस तीनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मेन चेन की रिएक्शन करेंगे, नेमिंग लिखेंगे। तो ये क्या है 1 2 3 मेथेन प्रॉप, तो इसको हम क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपेन। वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई ऑल। अब आप देखें अगर पिछले केसेस में तो ये ई नहीं था, बट इन दिस केस ये ई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि जस्ट इस ई के बाद ओ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी हमारा लाइक सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच है, तो इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो हम क्या लिखें प्रोपेन 1 ऑल। मतलब अगर हम ई लगाते हैं तो ई के जस्ट बाद ओ आता,
जो कि हमारा क्या है, अलाउड नहीं है आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। इसको हमें इरेज करना होता है। बट इन दिस केस ई हमारा रहेगा, क्योंकि अब हमारा ओ आ नहीं रहा ना, उससे पहले तो हमारा टी आ जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये जो है नेमिंग सही होगा, यहां पर ई हमारा रहेगा। सिमिलरली अगर ये ट्रायल ना होकर अगर डायोल भी होता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सी एच थ्री सी एच सी एच टू ये ओ एच एंड ओ एच होता, तो इन दिस केस भी फर्स्ट ऑफ ऑल वन टू थ्री, ठीक, ये क्या है प्रोपेन है, तो हम प्रोपेन लिखेंगे। वन कॉमा टू डायोल, अब सिंस ओ नहीं आ रहा है ना, ओ नहीं आ रहा है तो हम यहां पर ई लगा देंगे, अब ये हमारी नेमिंग सही होगी। समझ में आ गया ना, इरेज करने जा रहे हैं, ठीक। अब अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट है साइक्लिक एल्कोहल्स। साइक्लिक एल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच्ड टू C1। मतलब जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, समझ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, ये OH है, नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वन। अब आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, 4, 5 एंड 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आप साइक्लो, हेप्सेन, ठीक है, वन ऑल अगर आप लिखें तो। लेकिन साइक्लोहेक्सेन वन ऑल लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे साइक्लोहेक्सेन ग्रुप में सिर्फ एक ही एल्कोहल है, तो इस वन की क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जब वन है तो आप जरूरी थोड़ी यहीं से, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे कि जब कोई भी बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप बेंजीन रिंग में कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेनॉल इसको लिखा जाता है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता तो ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये जो साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है इसकी बात करते हैं, यहां पर क्या है OH है और यहां पर CH3 है, नंबरिंग करेंगे तो ये वन होगा। अब हम या तो इस रास्ते जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या हम इधर से क्लॉकवाइज, लेकिन अब चूंकि सब्सिट्यूएंट आ गया है ये एक, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि इसको जो है लीस्ट नंबर पे रखा जाए, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2-methyl साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है और कितने हैं 5 है, तो पेंटेनॉल, ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए तो ये थी दो एग्जांपल साइक्लो कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड की। अब बात है फिनॉल, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल, क्योंकि बेंजीन में आप डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। इट इज द कॉमन नेम एंड ऑल्सो एन एक्सेप्टेड आईयूपीएससी नेम, ठीक। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व्स अ बेंजीन रिंग इन इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स द टर्म्स ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन में आपको बता चुका हूं, अगर ये हमारी बेंजीन रिंग है और यहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
ये वाली पोजीशन हमारी क्या होगी, ये दोनों ही पोजीशन मेटा, सॉरी ये मेटा नहीं ऑर्थो होंगे, ये क्या होंगी ऑर्थो, इनके जो नेक्स्ट वाला होगा वो मेटा होगा, एंड इसके जो पैर पकड़े रहेगा मतलब जस्ट नीचे वाला वो क्या होगा पैरा, ठीक है। मतलब हर एक बेंजीनिंग में अगर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है तो दो ऑर्थो होंगे, दो मेटा पोजीशन होंगे एंड वन पैरा पोजीशन होगा, ठीक। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये सिर्फ हमारा एक रिवीजन था, ठीक। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है वहां पर। तो ये देखते हैं क्या है, ये है हमारा फिनॉल जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों ही सेम है, ठीक। अब ये है हमारा ऑर्थोक्रिसोल जिसको हम कॉमन नेम में ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं, ये हमारी बेंजीन CH3 एंड OH। अब सिंस OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये पोजीशन क्या है ऑर्थो है, तो इसे हम ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं कॉमनली। और आईयूपीएससी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे नंबरिंग, तो इसको हम वन पर रखेंगे, इसको टू पर, ठीक। तो जब हम इसकी नंबरिंग कर लिए तब टू पर क्या है मिथाइल, तो हम टू पर लिखेंगे मिथाइल और इस पूरे को हम फिनॉल लिख देंगे, टू मिथाइल फिनॉल, मतलब फिनॉल के सेकेंड पोजीशन पर अगर नंबरिंग करें हम तो क्या है मिथाइल है, ठीक। और अगर यही बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पर, ये OH के रिस्पेक्ट में अगर मेटा पोजीशन पर CH3 हो तो हम इसे मेटा क्रिसोल बोलेंगे कॉमनली, कॉमन नेम। अगर आईयूपीएससी की बात करें तो नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री, तो ये क्या हुआ थ्री मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पैरा पोजीशन पर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे पैरा क्रिसोल। ये ओ का मतलब है ऑर्थो, एम का मतलब है मेटा और पी का मतलब है पैरा, ठीक। और आईयूपीएससी जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर, तो जब वन टू थ्री फोर फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो सॉरी फोर्थ पोजीशन पर क्या है CH3, हम हाइड्रोक्सिल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये होगा वन टू थ्री एंड फोर, फोर्थ पर क्या है मिथाइल, तो फोर मिथाइल फिनॉल हमारा आईयूपीएसी नेमिंग होगा। ठीक है, अब ये हमारा जब मान लीजिए दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही बेंजीन में हो तो ये उनका कॉमन नेम है, ये क्या है कैचॉल है, ये रिसोसिनॉल है और ये क्विनॉल है या हाइड्रोक्विनॉन भी बोलते हैं। खैर मैं इस वाले को बता देता हूँ रिसोसिनॉल का, यह है हमारी बेंजीन रिंग OH एंड OH, यहां पर दो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लिया, ठीक। अब अगर हम नंबरिंग करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस नंबर पर हैं, तो वन टू एंड थ्री, तीन नंबर पर है वन एंड थ्री, तो इसकी जब आईयूपीएसी नेमिंग हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेस रिंग को जो पेरेंट चेन है उसको लिखेंगे, पेरेंट चेन हमारा क्या है बेंजीन, तो हम बेंजीन लिख लेंगे वन कॉमा थ्री, अब ये दो हैं तो हम इसको डायोल लिख लेंगे। सिमिलरली एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि यहां पर एक OH है, एक यहां OH है एंड एक यहां OH है, ठीक है।
तो अगर हम इसकी नेमिंग जब करेंगे आईयूपीएससी, तो ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फर्स्टली इसकी हम क्या करेंगे, इस जो बेस रिंग है, जो हमारा पेरेंट चेन जिसे हम बोलते हैं, उसको हम लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, बेंजीन। अब 1, 3 एंड 5 पर है तो लिखेंगे 1, 3, 5, और 3 है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम इनके लिए क्या लिखेंगे, ट्रायोल। ये होगी इनकी आईयूपीएससी में। बात समझ में आ गई, आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ईथर। ईथर के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है आईयूपीएससी नेमिंग। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं CH3O, CH3, ठीक है। तो आप अगर कॉमनली इसको बोलें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो आप इसको डाई मिथाइल ईथर बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है। अगर यही C2H5O C2H5 होता, तो आप क्या बोलते हैं, डाई इथाइल, क्योंकि ये दो हैं तो हम डाई इथाइल बोल देते, और ये ईथर हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। बट ये तो हमारा क्या है, कॉमन नेम है, हमें क्या बात करना है आईयूपीएससी की। तो आईयूपीएससी देखते हैं हम, ये हमारा CH3O एंड CH3, इसको हम आईयूपीएससी नाम में मिथॉक्सी मीथेन बोलते हैं। ये कैसे हुआ मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं। किसको एग्जांपल लिया जाए, इस वाले को लेते हैं। ये क्या है, CH3O CH2 CH2 एंड CH3, ठीक। अब इसमें जो आपको ये ध्यान में रखना है वो ये है तो इसमें जो है हमारा पैरेंट चेन जिसे हम मानेंगे वो होगा ये, ठीक, और ये होगा हमारा मिथाइल। ये हमारा क्या है, मिथाइल। बट इन दिस केस ऑफ ईथर हम इसे मिथाइल नहीं लिखेंगे जब हम आईयूपीएससी करेंगे, ठीक है, इसे हम मेथॉक्सी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी। बिफोर दैट हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग जब करेंगे तो ये 1, 2 एंड 3, जहां फंक्शनल ग्रुप ऐड है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि 1 पर क्या है हमारा, ये 1 पर हम इसे पूरी ग्रुप को, हम सिंस ये मिथाइल है तो हम इसे मिथॉक्सी लिखेंगे। और फाइनली जो हमारा इधर का है, जो पैरेंट चेन, जो 1, 2, 3 प्रोपेन है, तो उसे हम एज इट इज प्रोपेन लिख देंगे। कुछ इस तरह से होगी हमारी इसकी आईयूपीएससी नेमिंग, ठीक है। और एग्जांपल जो है मैं उनको करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जो ये नेक्स्ट है, ठीक है, C6H5O एंड CH3। अब इसमें बेस रिंग कौन सा होगा, जो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, मतलब इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन। और ये क्या है, हमें ये है बेंजीन, ठीक है। तो बिफोर दैट हमें इसको क्या लिखना होगा, इसकी नेमिंग करनी होगी। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मिथॉक्सी, ठीक। इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन, तो हम इसको क्या बोल देंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। बात समझ में आ रही है, इस तरह से होगी नेमिंग। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर CH3 ना होकर CH2 CH3 होता,
यहां पर हम मिथॉक्सी की जगह क्या लिख देते हैं, बस हम यहां पर लिख देते इथॉक्सी बेंजीन। बात समझ में आया? इस तरह से इसकी नेमिंग होती है। ये हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो C6H5O CH2CH3, अभी मैंने इसको डिस्कस भी कर लिया और नेक्स्ट एग्जांपल भी यही है। ये हो जाएगा हमारा क्या, इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा C6H5O CH2 होल सिक्स एंड फाइनली CH3। मतलब इधर कितने हैं, इधर 7 कार्बन्स हैं और इधर 6 हैं। मतलब इस बार जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। तो अब हम इसको, सिंस ये फिनाइल हम लिखते हैं इसको, अगर यहाँ पर ओ ना होता तो एज इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। बट अब ये हम क्योंकि ईथर का कर रहे हैं तो ईथर के इसमें मिथाइल हमारा मिथॉक्सी हो जाता है, इथाइल इथॉक्सी हो जाता है, तो फिनाइल क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1-फिनॉक्सी। और ये 6 कार्बन इसमें है और एक ये है, 7 होंगे, तो 7 के लिए हम क्या बोलेंगे, हेप्टेन। तो इसकी नेम क्या हो जाएगी, 1-फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है CH3O CH CH3 एंड CH3, ठीक है। ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पहले नेमिंग कर लेते हैं 1-2, ये नंबरिंग हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1-मिथॉक्सी सही वाला कर रहे हैं ना, ठीक। एक मिनट, इसको लार्जेस्ट चेन लेना होगा। तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो वो यहां से होगा 1, 2 एंड 3। तो ये जो एक मिथॉक्सी ग्रुप है वो क्या है, सेकेंड नंबर पर है, तो यहां पर 1 नहीं होगा बेसिकली। यहां पर क्या होगा, 2 होगा, 2 मिथॉक्सी 2 पर क्या है, मिथॉक्सी। और ये 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। जो नेक्स्ट है वो ये है कि C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप है, ओ CH2CH2 CH CH3 एंड इससे है एक CH3, ठीक। अब आप मुझे बताएं कि एज अ पेरेंट चेन हम किसको लेंगे, इस राइट वाले ग्रुप को या इस लेफ्ट वाले ग्रुप को। सिंस इन दिस केस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और इन दिस केस ज्यादा, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होते हैं उसी को पेरेंट चेन की तरह लेते हैं। तो ये हमारा पेरेंट चेन होगा। बिफोर दैट हमें इसकी अब नेमिंग करनी होगी, ठीक है। तब इसकी भी हमें नंबरिंग करनी होगी। तो आइए देखते हैं, अब जिधर से ये ऑक्सीजन ऐड है हम क्या करते हैं, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या है, 3-मिथाइल। हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं एकदम सेपरेट करके, मान लीजिए। तो देखिए, 3-मिथाइल, 1, 2, 3, हम ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, बट सिंस ये ऑक्सीजन से भी लिंकेज है, इसको हम ब्यूटेन न लिखकर,
थ्री मिथाइल हम ब्यूटॉक्सी लिखेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारी पैरेंट चेन है बेंजीन उसको हम लिख देंगे। इस तरह से होगी हमारी नेम। जो नेक्स्ट है वो है CH3 O CH2 CH2 O CH3। ठीक है, तो इन दिस केस यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल, दोनों ही ऑक्सीजन से क्या है, एड है। मतलब यहां पर मिथॉक्सी तो हम लिखेंगे, बट सिंस यहां पर दो बार है तो इसकी नंबरिंग जो हम करेंगे पैरेंट चेन की नंबरिंग, तो क्या होगा 1 2, एक बार 1 पे मिथॉक्सी है, एक बार 2 पर मिथॉक्सी है, तो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे 1, 2 डाइमिथॉक्सी। डाइमिथॉक्सी मतलब दो बार मिथॉक्सी है और एक बार 1 पर एक बार 2 पर, तो क्या होगा 1, 2 डाइमिथॉक्सी, और ये 1 और 2 ईथ है, तो ये क्या हो जाएगा इथेन। ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। बात समझ में आ रही। अब जो हमारा लास्ट वाला है इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सेन है, इस पर यहां पर 2 CH3 ग्रुप है और यहां पर क्या है ओ, और इसी पर है C2H5। अब हमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग जहां से ये ऑक्सीजन लिंक है वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1, इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 6, ये 4, ये 5 एंड ये होगा, इसकी जब नेमिंग करेंगे तो हम 2 पर क्या है, इसकी जब नेमिंग करेंगे हम 2 पर क्या है इथॉपी। फिर है 1, 1 डाइमिथाइल साइक्लो, जो हमारी बेस रिंग है साइक्लो हमारी बेस रिंग है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात नॉमेनक्लेचर की। अब इस पेज में कुछ है नहीं, नेक्स्ट पेज पर क्या है,